एक गाड़ी वाला सिग्नल तोड़ दिया और हमारे सामने आके खड़ा हो गया। हमारा सिग्नल ग्रीन था तो खड़ा होकर कह रहा है गलत की चला रहे हो भाई। मैंने दो मिसल खाया, चार वड़ा पाव खाया। चोर दरवाजे में आपका स्वागत है। आई ये हमारे शूट कर रहे हैं शिवाजी महाराज। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम फिर से उठ गए हैं सुबह सुबह एक नई राइड के लिए, जो कि है हमारी मल्हारगढ़ फोर्ट। पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर है बस। वन साइड थोड़ा सा छोटा सा ट्रैक है जो कि मेन बेस से ऊपर लेके जाता है 10-15 मिनट का, जितना मुझे पता है। बाकी बातें आगे बाइक पे करते हैं और निकलते हैं यहाँ से फटाफट और मिलते हैं सीधा बाइक पे। तो भाई आ गए हैं बाइक पे, निकलते हैं अपनी, स्टार्ट करते हैं बाइक। आज पेट्रोल भी नहीं भरा है मैंने, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। बट ये कि हाँ, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। 60 किलोमीटर पूरा होगा तो उसके लिए इतना मेरे ख्याल से बहुत ही है। आके देखेंगे, कल परसों भरा लेंगे। आज हम जा रहे हैं मल्हारगढ़ फोर्ट, मल्हारगढ़ फोर्ट। तो भाई मल्हारगढ़ फोर्ट मेरे ख्याल से वो फोर्ट है जो सबसे लास्ट में मराठास ने बनवाया था, अपना सियागढ़ फोर्ट और ये सारे फोर्ट बनवाए थे ना, उसको है ना सोहरी फोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो बेस है ना वो सोहरी में है, गांव में। तो वहाँ से जब ट्रैक करके जाते हैं या चल के जाते हैं जो लोग, तो वहाँ के लिए उसको वैसे भी नाम उसका सोहरी फोर्ट दे दिया गया है। वैसे मल्हारगढ़ फोर्ट है वो, और मल्हार शायद कोई रानी थी जिसके नाम पे ये फोर्ट बनवाया गया था। तो अच्छा है, चलते हैं आज वहीं पे ही। आज का डे देखते हैं कैसा होगा, आई होप कि अच्छा ही हो। ज़्यादा लंबी राइड नहीं है, बट या अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है ना पुणे में, तो दिन में ज़्यादा राइड करने में मज़ा नहीं आता, थोड़ी स्वेटिंग होती है ज़्यादा, और राइडिंग गियर भी पूरा होता तो फिर प्रॉब्लम आती ही है। इसीलिए इसको देखते हुए हम छोटी राइड कर रहे हैं आज, और हमारे साथ राइडर्स लगभग 10 राइडर्स हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं, जितना मैंने काउंट देखा है अभी तक, और आगे काउंट देखते हैं। पहुंच गए भाई अपने मीटिंग पॉइंट पे। ये हमारे फारूक भाई स्कूटी पे आए हैं फिलहाल, अब यहाँ से लेंगे अपनी बाइक और राइडर्स देखते हैं कितने आए हैं। आई थिंक अभी तो एक ही आया है, ओह कोई राइडर्स ही नहीं आया अभी तो। और बीच में दिवे घाट वगैरह आएगा, सब लोग एक मिनट को फॉलो करेंगे, ज़्यादा बाइक भी नहीं है, 11-12 बाइक है बस, तो सब लोग एक मिनट को फॉलो करोगे तो बराबर चलते रहेंगे। पिछले टाइम के जैसे नहीं करना है, कुछ लोग आगे जाएंगे कुछ लोग पीछे रहेंगे, ऐसे कुछ नहीं, सब लोग सेम वे इसमें चलेंगे। 60-70 स्पीड रहेगा, ज़्यादा ज़्यादा 60-70, कम से कम आप कम कर सकते हो। चलो भाई स्टार्ट हो गई है राइड। सुबह सुबह राइड करके यार मज़ा सा आ जाता है एकदम, जब जाते हो ना आप खाली खाली सुबह सुबह तो ऐसे निकलते हो, मज़ा सा आता है। सुबह हो और सूरज ना दिखे राइड पे जाते टाइम, तो क्या ही राइड पे जा रहे हो आप, क्या मज़ दिख रहा है ना यार सुबह सुबह। अभी क्या हुआ था थोड़ी देर पहले, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट एक गाड़ी वाला सिग्नल तोड़ दिया और हमारे सामने आके खड़ा हो गया। हमारा सिग्नल ग्रीन था तो खड़ा होकर कह रहा है गलत की चला रहे हो। इतनी हंसी आई ना मुझे, कहा क्या बोल रहा है भाई, इतना पागल तो मत बन। फारूक भाई का काम आज यही है कि बस बंदे आ रहे हैं कि नहीं पीछे वो देखना है, और कुछ भी नहीं है। आज बाइक नहीं चला रहे तो सिर्फ यही देख रहे हैं कि कौन कौन आ गया है। खैर ये भी अच्छी बात है कि बंदों को आप देख रहे हो कि कौन कौन आ गया कौन कौन नहीं आया, लाइन सही चल रही है कि नहीं। बट आज यही है, आज कह रहे हैं आज मैं आराम करूँगा, आज सिर्फ फ़ोटोज़ खींचूँगा और सिर्फ अपने देखूँगा, आज बाइक नहीं चलाऊँगा। मैं कहा सही है भाई, बढ़िया। देख रहे हो भाई अभी भी जैकेट पहन रखी है, चाहे पिलियन है पीछे तो भी जैकेट पहन रखी है, विच इज़ गुड। मतलब आप अगर आ रहे हो ऐसे और पिलियन पे भी और जैकेट पहन रहे हो तो देखा जाता है कि आप हो सेफ्टी वाइज कंसर्न रखते हो कि पहननी चाहिए हमें। यार 7:30 हो गए हैं और अभी तक
पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, पुणे बाहर नहीं हुए हैं अभी तक, हड़प्सर के आसपास ही है हमारे। इधर अपना सनराइज है, इधर अपने पहाड़ हैं। अभी मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि हमारा जो घाट सेक्शन है ना, दिवे घाट शायद ये वाला है सेक्शन, ये दिवे घाट स्टार्ट हो गया है, तो आई थिंक कि मज़ा आएगा अभी दिवे घाट में बाइक चलाने में। तो देखती चलूँ। बाकी आप एंजॉय करो थोड़ा चलना, टाइम लैप्स वगैरह देखते हैं अगर अच्छे आते हैं तो। ये देखो ये हंस रहा है इसका आज पूरा मज़ा आ रहा है कि बाइक नहीं चलानी, अपना शूटिंग करो और अपना बैठे रहो, मस्त चलते रहो। क्या व्यू है भाई ये, यार बारिश में बहुत अच्छा लगता होगा, बिल्कुल मुझे लग रहा है जितना। अब आ गया है घाट सेक्शन स्टार्ट, यहाँ से ला 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 दिवेगढ़। क्या व्यू है भाई सिटी का, भाई मज़ा आ गया आज तो। पता नहीं आपको दिखा है कि नहीं दिखा कैमरे में, बट भाई बहुत सही व्यू है। मैं देखता हूँ अगर नहीं आया होगा ना तो आधे टाइम जब आएंगे यहाँ से तो एक बार ही रुक जाएंगे, थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं आपको। बहुत सही है भाई, बहुत सही है। तो भाई थोड़ा सा स्नैक के लिए रुके हैं यहाँ पे एस कुमार बड़े वाले। तो भाई अभी रुके थे बस अपना थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि भूख लगी थी, अभी रुके हैं यहाँ पे। और ये भाई इन्होंने बहुत खाया आज, क्या खाया भाई? भाई मैंने दो मिसल खाया, चार वड़ा पाव खाया, इसके लिए तो इतना मोटा हूँ। देख रहे भाई इनको कुछ नहीं होता है, कितना ही खा लेते हैं ये, सुबह सुबह सब चल जाता है हमारा। तो बस अभी निकले हैं, वड़ा पाव खाया, ये डाइट में इन्होंने कल बाइक ली भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन कर दो इनको। बाइक ये वाली है मिटियोर ली अपनी 350। तो भाई बस अभी निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं, अभी 5 किलोमीटर अराउंड है, 13-14 मिनट लगेंगे, निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं सीधा फोर्ट में। जल्दी से हो जाएगा, रोड ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सही रोड है ऐसा कुछ। पूरा गांव जो है ये वाला, गांव के अंदर से जाना पड़ रहा है उसके लिए, जो बेस है वो गांव का ही है, सोहरी जो बेस था वो अलग है, बट ये वाला अलग है। ये वो वाला तो शायद पहाड़, पहाड़ के अंदर से निकलना होता है, पूरा जो बेस है वो ट्रैक करते हैं, मतलब वहाँ से नाइट ट्रैकिंग जो है इसकी मल्हारगढ़ फोर्ट की वो अच्छी है। तो अगर किसी को ट्रैक करना है तो 45-50 मिनट्स आई थिंक में कोई जितना दिखा था, तो अगर किसी को ट्रैक करना है तो वो कर सकता है यहाँ पर। तो भाई फोर्ट के पास पहुंच गए हैं लगभग, ज़्यादा तो लग नहीं रहा है यहाँ से, सही दिख रहा है और अपना सन भी ऊपर मस्त। यार पता नहीं क्या फैसिनेशन हुई मेरे को थोड़ी सी सन देख के, मज़ा सा आता है थोड़ा देख के कि भाई सन दिख रहा है, ये अलग ही मेरे को है। तो भाई टिकट लगी है यहाँ पे हमारी बाइक की, जो कि है 20 रुपये, 20 रुपीज़ पर व्हीकल, तो लिया है 180 रुपये टोटल में। और ये पहले ही आ जाता है, देख लो फोर्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे ही ले लिया पहले ही। तो जो भी है, गाड़ी का शायद 30 रुपीज़ होता है और बाइक का है 20, जितना मुझे दिखा यहाँ पे। बाकी देखते हैं आगे कैसा चलता है अपना फोर्ट का, मेरे ख्याल से वहाँ तक गाड़ी वाड़ी खड़ी है तो वहाँ तक जाती होगी गाड़ी।
तो भाई ऑफ रोडिंग भी हो गई है हमारी, तो चालू तो भाई आ गया हमारा चोर दरवाज़ा। ये यहाँ फोर्ट का चोर दरवाज़ा है, मेन गेट जो है वो उधर कहीं है, बाकी हम ये चढ़ के आए हैं अभी। पूरा ये मस्त, यहाँ बाइक खड़ी कर दी थी हमने, उधर वो खड़ी हमारी बाइक्स, और यहाँ से पूरा ऐसे चढ़ के आए हैं। और इस टाइप से सीढ़ियाँ कुछ हैं, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बट ऐसे है। तो भाई चढ़ते हैं ऊपर, बहुत मेहनत हो गई आज, और मिलते हैं सीधा ऊपर ही, देखते हैं फोर्ट कैसा है। सीधा ऊपर नहीं, फोर्ट पे ऊपर मिलते हैं। सीधा ऊपर तो कहीं और है, वहाँ नहीं जाना अभी हमें। अभी हमने बहुत जिंदगी जीनी है। चोर दरवाजे में आपका स्वागत है, आइए पधारिए, घुस जाइए। ये तो सच में चोर दरवाजा है। आ जाओ आ जाओ, बैठ गया। सभी फोर्ट पे आए हैं, थोड़ा बहुत जैकेट वगैरह उतार दिए, फ्री होके बैठे हैं। ये हमारे विनोद भाई, तो ये भी राइडर। अभी मैंने पूछ रहा था कि आपकी बाइक के किलोमीटर्स कितने हो गए, तो कहते मैंने पिछले लास्ट ईयर में 20,000 ना 20-22,000 इन्होंने कंप्लीट किया है। दो तीन बार गोवा जा चुके हैं, और अपना डेली राइड्स नहीं संडे राइड्स करते हैं, तो अच्छा खासा इन्होंने चला लिया है। हमारा तो अभी 11,000 ही हुआ है। बाकी अभी इस फोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत पूछते हैं किसी से कि क्या है फोर्ट के बारे में, इतना नॉलेज नहीं है, तो कोई आता है तो उससे पूछते हैं कि क्या है इसके बारे में, हिस्ट्री क्या है इसकी, और क्या किला है। किले श्री मल्लारगढ़ हा आपला मराठ्यांच्या इतिहासातला सगळ्यात शेवटचा किल्ला आहे, म्हणजे याच्यानंतर कुठलाही किल्ला बांधला गेलेला नाही आहे। पेशव्यांच्या काळामध्ये पेशव्यांचे जे हे होते शेवटचे तोफगाडा प्रमुख, त्यांनी बांधलेला किल्ला आहे हा। खाली त्यांचे वाडा पण आहे ते सोनवडीमध्ये। तर या किल्ल्याला मल्लारगड नाव, या जेव्हा किल्ल्याचं बांधकाम चालू होतं त्यावेळेला एका ठिकाणी एक जो काम करणारा व्यक्ती होता त्याच्या पायाला लागला, हाताला की पायाला, त्याला जखम झाली, पावला सॉरी खाली रक्तप्रवाह चालू झाला, तो रक्त कंटिन्यू रक्त येतच होतं ते। तर ज्यांनी हा गड बांधायला घेतला होता त्यांना लक्षात आलं की त्यांनी नंतर खंडोबाचं देऊळ बांधलं। ते देऊळ बांधल्याच्यानंतर मग ते जे येणारं रक्त होतं ते रक्त तेव्हा बंद झालं, देऊळ पूर्ण बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर। त्यामुळं ते खंडोबाचं देऊळ आहे, त्यामुळे गडाला मल्लारगड असं नाव दिलेलं आहे। याला सोनवडीचा गडसुद्धा म्हणतात, सोनवडीचा किल्ला सुद्धा म्हणतात असं आहे। नमस्कार व्यूवर्स, अपने यूट्यूब चैनल ने चालू किया यूट्यूब पे म्यूजिक ऑल मराठी, उस पर पहला सॉन्ग आने वाला है हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज पर है, तो आप शेयर कीजिए, आपका सपोर्ट रहने दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। क्या है म्यूजिक? म्यूजिक ऑन मराठी। तो भाई म्यूजिक ऑन मराठी इनका चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जब भी वीडियो आएगी। कम से कम चैनल का तो डाल ही दूंगा, अगर अभी शूट चल रहा है इनका, व्यू पूरा सॉन्ग का शूट चल रहा है। ये यहाँ पे सब सेट है, ये हमारे शूट कर रहे हैं शिवाजी महाराज, तो ये वाला शूट जैसे भी होगा इसका इनका तो चैनल पे आ जाएगा, चैनल का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये अभी पूरा फोर्ट घूम लिया है, धूप बहुत ज़्यादा हो गई है फिलहाल, बट अभी नीचे जा रहे हैं, टाइम हो गया अराउंड, हमने सोचा था कि 10 बजे तक हम पहुँच जाएंगे वापस, बट 10 तो यहीं बज गए हैं अभी, तो अभी लगभग लग रहा है मुझे कि 11:30 तक ही पहुंच पाएंगे हम वहाँ पर। तो बस चलते हैं, और नीचे सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उतरते हैं, वो भी 10-15 मिनट उसको भी लग जाएंगे नीचे जाने में भी, तो वो सब करके नीचे चलते हैं और रास्ते में मिलते हैं आपको, बाइक पे बैठते हैं पहले। यहाँ का व्यू थोड़ा सा अलग लग रहा है, जैसा तामिनी घाट पर है ना व्यू वाला,
कि दो पहाड़ है बीच में और फिर वहाँ से निकल रहे हैं, तो सेम ऐसा ही है, बस ये कि अगर हाँ यहाँ पे पूरा रोड बन जाए तो आई थिंक सो कि मज़ा आएगा। चलो भाई लास्ट फाइनल 2-3 किलोमीटर बच रहे हमारे घर को, ये वाली राइड यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और बताना यार कमेंट कर दिया अगर वो अच्छा लगता है यार कि कोई कमेंट करता है तो। बाकी ये वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं सीधा अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग कुछ ज़्यादा ही खास होगा, अगर किसी को नहीं पता वो क्या हो सकता है तो अभी भी इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ आती रहेंगी अपडेट्स नेक्स्ट वीक से, तो तैयार रहना उसके लिए। मिलते हैं सीधा अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।